ओ माय गॉस, ओ बेबी, ये देखो छतरपुर मंदिर है, ये देखो ताला, देखो ये जापान से ताला मंगवाया हमने, ये देखो, और ये जो गेट है ना, ये तो हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाया है, ये गेट है इसका लोहा। गाइस आपने देखा वो काफ़ी अच्छा बड़ा गेट है, और इतना बड़ा गेट आज तक मैंने अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं देखा, और ये पहली बार देख रहा हूँ मैं गाइस। और बारिश हो रही है इस वक्त, और मंदिर में हम घूमने आए थे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं फनी शॉट। और सबसे बड़ा गेट, इसका टाइटल होगा कि वर्ल्ड का लार्ज, मतलब सबसे बड़ा गेट होगा दुनिया का, और ये गेट कभी खुलता नहीं है। आप कभी आओगे मंदिर लोकेशन में, इस गेट के अंदर राज छुपा है, बहुत सारा राज छुपा है। तो गाइस आपने पीछे देखा होगा तो सबसे बड़ा गेट था, और आपको अब मैं दिखाऊंगा सबसे बड़ा घंटा आपके मंदिर में, आपके कई भगवान जहाँ भी होंगे छोटे छोटे। सबसे बड़ा गेट तो गाइस आपको दिखाते हैं, सबसे बड़ा घंटा इस मंदिर का, सबसे बड़ा आपके मंदिर में भी छोटा सा घंटा होगा, और घंटे से जैसे कि आप पूजा करते हो और भगवान को अपने आने का संकेत देते हो, तो यही सबसे बड़ा घंटा है। काफ़ी बड़ा बिग, काफ़ी जय हनुमान। प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस आपको यहाँ से दिख रहा हो यानी मैं आपको, एक आश्रम है। तो गाइस आप देख सकते हो पीछे आश्रम बनना रखा है। तो गाइस मैं इसके ऊपर कभी तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो इस वक्त। और इसके पीछे ही मान लो यहाँ पे हाँ एक कुटिया बना रखी है, जिधर पूजा वूजा हो सकती है। तो गाइस ये मंदिर के पीछे का व्यू है, और हम यहाँ पे इस वक्त हैं, और इस मंदिर में मैं बचपन से ही आ रहा हूँ, मतलब ये मेरे सामने ही, मतलब सामने तो नहीं बना था पर सही था। तो मेरे साथ मोनू भी है, चले भाई चले। तो गाइस मैं आप पीछे का व्यू क्या कह रहा होता है, चले भाई चले चले। तो गाइस मैं आपको एक सबसे ख़ास बात दिखाता हूँ, किसी को नहीं पता होगा। मंदिर के पीछे एक, मतलब जैसे हमने आश्रम में देखा था, आश्रम में दिखाते हैं वैसे। तो गाइस मैं इस मंदिर के पास आया था, तो आपको सबसे ख़ास बात बताऊँ, अभी ये टेम्पल न्यू टेम्पल बना गाइस, ये सबसे खास है। आप कभी आओगे छतरपुर तो ये इसी महीने में, मतलब मेरे को लग रहा है इसी महीने में बना है, और ये काफ़ी बड़ा है। और मोनू मेरे साथ आया था, मेरे को लगता है यहाँ पे मतलब शादी वादी होती होगी। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी लग रहा है, ऐसे गाँव में आ रखा हूँ, मतलब जैसे महाभारत या रामायण जैसी शूटिंग होती है ना वैसी, मतलब यहाँ पर बना रखा है। और ऐसा इस वक्त मोनू गया है कुछ पूछने वहाँ पे, और हम पानी पियेंगे जैसे लग रहा है हमें, जैसे कि हमने बताया है यहाँ पे पानी भी मिलता है पीने के लिए। खाली पड़ा है अंकल, ये क्या बनाए, ये क्या, ये अंकल जी बताएंगे, हमारे अंकल जी बताना क्या बनाए। जगह स्थल है, जगह स्थल बोल रहे हैं अंकल जी हमारे, मतलब यज्ञ हुआ था, बोलो यज्ञ विष्णु महायज्ञ। अच्छा विष्णु महायज्ञ हुआ था यहाँ, कब हुआ था, बैसाख महीने, बैसाख महीने, महीना। अच्छा विष्णु महायज्ञ हुआ था यहाँ पे गाइस, तो मैंने तो पहली बार देखा है छतरपुर मंदिर के पास।
और काफी बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि हम महाभारत की जैसे कि रामायण जैसे शूटिंग देखने आए हैं मोनू, है ना। वैसे तो ऐसे कुटिया बना देते हैं, और बस यहाँ पे क्या राम की कमी है, लक्ष्मण की कमी है, और इसके अंदर आ रखे हैं। और आप देख सकते हो मतलब महादेव, यहाँ पे उन्होंने, हमने किसी से पूछा ना तो वो लोग कह रहे थे यहाँ पे महायज्ञ हुआ था, महादेवी विष्णु यज्ञ, और ये मूर्ति लगा रखी है। वाह काफी बड़ा है यार, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा गाइस, मैं झूठ नहीं कह रहा, और आपने भी फर्स्ट टाइम देखा होगा। अगर आप में से कोई, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे छतरपुर मैनांगड़ी और मेरे यहीं के हैं सब्सक्राइबर, तो और अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि छतरपुर मंदिर में एक नई वो टेम्पल मंदिर बना है। तो चप्पल उतार के हम आ गए थे। तो गाइस आप अभी भी देख सकते हो यार, वाह ऐसा लग रहा है मैं गांव में आ रखा हूँ।